हाय गाइस, आज की वीडियो में बात करेंगे लो बजट डाइट फॉर वेट गेन। आप में से बहुतों के कमेंट्स आए कि भाई वेट गेन पर वीडियो बनाओ लो बजट डाइट। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के एंड तक। वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों के लिए वीडियो होने वाली है। दिन की शुरुआत कैसे होगी और दिन का एंड कैसा होगा खाना खाने में, सब हम आपको बताएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, भाई को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करें और जितने ज़्यादा हो सके शेयर करें। और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में लिखना मत भूलना। लव यू ऑल। ब्रेकफास्ट में सबसे पहले आप, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप ले सकते हैं एग वाइट्स। आपको एग वाइट नहीं लेना है, आपको जो अंदर का येलो पोर्शन होता है वो भी लेना है, क्योंकि वो जो येलो पोर्शन होता है पूरा ओवरऑल आपका नेचुरली बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है। तो सबसे पहले जो नॉन वेजिटेरियन भाई लोग हैं वो एग वाइट और पूरा येलो पोर्शन, पूरा एग ले सकते हैं। वीडियो में बात हो रही है गाइस लो बजट के बारे में, तो आप मिनिमम 2 खा सकते हैं एग वाइट बॉईल करके। अब जो भाई लोग वेजिटेरियन हैं तो आप सुबह सुबह या सॉरी रात को आप चने भिगो लें और इसके संग मूंग दाल भी हुए और सुबह आप ब्रेकफास्ट के तौर पे से खा सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप चना, आपको आपके मतलब पाचन तंत्र में खराबी है या आपको किसी वजह से चना लगता नहीं है, हैवी हो जाता है आपके लिए, तो फिर आप ओट्स या दलिया की तरफ जा सकते हैं। सुबह 1 कप आप दलिया खा सकते हैं या ओट्स भी खा सकते हैं, ये आपके लिए सही है। या फिर आप ज़्यादा है तो आप केले भी ले सकते हैं इसके संग। दिन के पोर्शन में स्नैक्स की बात की जाए तो आप उसमें केले ले सकते हैं, 4 से 5 केले आप खाएं वो आपके लिए सही है। लो बजट में भी आ जाएंगे, आप 2 से 3 दर्जन केले ले लीजिए, घर में रख दीजिए और वो आपके 1 से 2 हफ्ते आराम से चल जाते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा सा ऊपर है केले से तो आप इसके संग चना चाट भी खा सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्दी होगा। वैसे तो आपने सुबह ब्रेकफास्ट में चना खा रखे हैं लेकिन आप चाहें तो दोबारा चना चाट खा सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ स्नैक में, क्योंकि लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में कुछ ना कुछ खाने का मन करता ही करता है, इसलिए आप ये ले सकते हैं। अगर आपको वो पसंद नहीं आ रही हो डाइट स्नैक में तो आप ले सकते हैं ब्राउन ब्रेड, उसके बीच में केले डाल के ले सकते हैं और साथ ही साथ पीनट बटर, थोड़े से एलमोंड्स, ये सब आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेगा। मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप चना चाट खाएँ या फिर केले खा लें बीच में, वो आपकी बजट के अनुसार अंदर भी रहेगा और साथ ही साथ आपका पैसा भी बच जाएगा। अब बात आती है गाइस लंच की। लंच में आप चावल लीजिए, आप ब्राउन राइस भी ले सकते हैं, नॉर्मल चावल भी ले सकते हैं, वाइट राइस, साथ में आप रोटी ले सकते हैं। सलाद आपका सबसे इम्पोर्टेंट है, हर वीडियो में बोला है। अगर आपको खाना नहीं लगता है तो आई बटन में वीडियो का लिंक आ रहा होगा पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग करने की, उस वीडियो को आप दे सकते हैं। थैंक फॉर सपोर्टिंग, आप सबकी मेहर से उस वीडियो में 50,000 व्यूज़ आए, उम्मीद है आप सब ऐसे ही सपोर्ट करेंगे। और प्लीज़ 10K सब्सक्राइबर जल्दी से कंप्लीट करा दीजिए। बात करें लंच की तो चावल, रोटी, सलाद, सब्जी, दाल, थोड़ा सा दही। अब बात करते हैं प्री वर्कआउट मील की, जो कि आप अपने वर्कआउट करने से पहले लेंगे। वर्कआउट करने से पहले आप ले सकते हैं अपना, यहाँ दोबारा मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप ब्राउन ब्रेड और केला मिक्स करके लें या फिर आप इसमें पीनट बटर लगा सकते हैं। और साथ ही साथ आप चाहें तो जो बंदे प्रोटीन खा रहे हैं वो अपना 1 ग्लास पानी लेके उसमें प्रोटीन डाल के ले सकते हैं, और जो दूध के संग प्रोटीन लेना चाहते हैं, जो प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन अगर आप होम वर्कआउट में प्रोटीन बना सकते हैं, मतलब कि कहने का मतलब ये है गाइस कि अगर आप घर पर प्रोटीन बनाना चाहते हैं तो उसकी वीडियो की लिंक आई बटन में आ रही होगी, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं, आप उसको जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ प्री वर्कआउट मील में जिनका बजट थोड़ा हाई है और जो नॉन वेजिटेरियन है वो खा सकते हैं एग वाइट्स, साथ ही साथ आप उसका येलो पोशन भी खा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा फैट बढ़ाना है, अगर आप चाहते हैं कि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाए तो आप खा सकते हैं एग वाइट्स। और सबसे मेन आपको ये बात मैं बताना भूल गया, माफ़ करना, बात इंपॉर्टेंट ये है कि आपको प्री वर्कआउट मील लेनी कब है, जब आप जिम करें या वर्कआउट करें तो उससे मैक्सिमम 1 घंटा पहले, 45 मिनट पहले या 30 मिनट पहले, यही टाइम है, इससे पहले मत लेना। अब बात करते हैं हमारे दिन की सबसे लास्ट यानी डिनर। डिनर तो सबको बढ़िया लगता है, तो डिनर में जो वेजिटेरियन है वो खा सकते हैं पनीर, साथ ही साथ घर में जो सब्जी बनी है, साथ ही साथ अगर आपके घर में न्यूट्रीला यानी सोयाबीन बना है तो आप वो खा सकते हैं, और जौन सी दाल बनी है, अरहर, मलका, राजमा, छोले, चने, जौन सी बनी है आप वो खा सकते हैं। और जो नॉन वेजिटेरियन है, अगर आपके घर में फ़िश बनी है तो आप फ़िश खा सकते हैं, अगर आपके घर में अंडे भुर्जी, अंडा भुर्जी या फिर जो अंडे की सब्जी ऐसी बनती है वो खा सकते हैं, साथ ही साथ चिकन ले सकते हैं, फिश जो बनी है आप वो ले सकते हैं, बस आपको
हैवी होना चाहिए और साथ ही साथ आपके शरीर में रहना चाहिए। सबसे लास्ट में आपको ये बता दूं, ये मुझे शुरुआत में बताना चाहिए था या लास्ट में बताऊं, बात एक ही है और आपके अंदर इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि आपको फास्ट फूड नहीं खाना है। इसको छोड़ दीजिए जंक फूड को, ये बेकार है। कुछ लोगों के शरीर में ये वेट गेन नहीं करेगा और कुछ के इसमें करेगा, करेगा तो फुला देगा और स्टेमिना बिल्कुल ख़त्म कर देगा बॉडी से। आपकी मर्जी है। फिर आपके स्कूल में आपका पीटीआई सर आपसे एक्सरसाइज कराएंगे और वो लास्ट में जो बच्चे एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे और वो ऐसे ताने मारेंगे कि ये बच्चे वही हैं जो सुबह कॉफ़ी पीते हैं, जंक फूड खाते हैं, ब्रेड चाहिए, जैम चाहिए इन्हें, कॉफ़ी ऐसी ये चाहिए। इससे बढ़िया है वो ताने सुनने से बढ़िया स्टेमिना बढ़ाओ, अच्छा खाओ, अच्छे तरीके से सो, अच्छी नींद लो, 8 से 9 घंटे की नींद लो। छुट्टियाँ चल रही हैं, अभी न्यू सेक्शन स्टार्ट हो गए हैं, आराम से रहो, चिल मारो। जिनको वेट गेन करना है, ये टिप्स और ट्रिक्स सारे जितने फूड बताए सब फॉलो करो, आपका वेट गेन मिनिमम 2 मंथ में ऐसा हो जाएगा ना जहाँ अभी होना उससे डबल से आधे से यानी ढाई तरीके से ज़्यादा पहुँच जाओगे, ये मेरी आपसे गारंटी है। नहीं होगी तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना और वीडियो को डिसलाइक भी करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और साथ ही साथ अगर आपको वाली वीडियो चाहिए जिसमें आप वेट गेन के लिए कुछ ऐसे दंड हैं जिन्हें आप लगा के वेट गेन कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए वीडियो बन जाएगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन गलती से भी मिस ना करें। बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।